हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाराणसी न्यू पैटर्न से पढ़ाएंगे, आपकी समझ में आएगा। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, यानी वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, है ना। विमल सलिल तरंगाया माने होता निर्मल जल की लहरों वाली, और कूले माने किनारे पर, है ना। तो यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलया कृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके बाद वलया कृति माने होता है गोलाकार, और पंक्ति माने लाइन, और धवलायाम माने होता सफ़ेद उज्ज्वल, और चंद्रिकायाम माने चांदनी में बहु माने बहुत, राजते माने शोभित होती हैं। तो इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। तो यहाँ पर पर्यटका माने यात्री, और अगणिता माने जिसकी गणना न की जा सके, यानी बहुत। तो यहाँ पर जो है असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ रोज आते हैं। अस्या घट्टानांच शोभान विलोक इमाम बहु प्रशंसन्ति, है ना। और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके बाद वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, है ना। अधुना अपने इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है। और जनानाम ज्ञान च वर्धयति, और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। इसके बाद अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, है ना। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। और निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति, और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। ऐसे लिखना आप लोग। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति, है ना। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। ये सुनवीनाम प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता, जिनमें नवीन और प्राचीन यानी नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाच केंद्र स्थलम अस्ति, है ना। यह नगरी भारतीय संस्कृत यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस् संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसरता, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, यानी संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराजा दारा सिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता, है ना। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इसके बाद इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य
कबीर कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहवा महात्माना अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारयन। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाच कृते लोके विश्रुता, है ना। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक यानी विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद बच्चों अत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रहंते, यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह चाही जाती हैं, यानी सब लोग पसंद करते हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तया प्रसिद्धा, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह इस समय की अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। कौन? वाराणसी, है ना। तथैव गीयते कवि, कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। मंगलम मंगलम मरणम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, जहाँ मरना भी मंगलकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो को हमने नए पैटर्न से बनाया, एक एक लाइन का अर्थ बताया। इसको आप लोग तैयार कर लेना, है ना, और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है कमेंट भी कर दीजिए। जब आप लाइक करोगे तो हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। धन्यवाद।